नमस्कार। आज मैं आपसे एक जजमेंट के साथ बातचीत करना चाहूँगा। AAR 2021 SC 1381 किशन लाल चावला वर्सेस उत्तर प्रदेश, इस केस में क्या है? पहले थोड़ा सा मारपीट भी नहीं है, धमकी दिया गया है। धमकी देने से एक थ्री पार्टी वन फाइनेंसिंग पार्टी में कंप्लेंट देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR देते हैं। इस केस में नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर NCR ऐसा एक नंबर दे देते हैं। उसके बाद चार्जशीट भी फाइल कर देते कोर्ट में, अदालत में, मगर ये जो कंप्लेंट दिया है वो विरुद्ध आवेदन पत्र दिया है। वो क्या करते हैं, फिर से 200 CRPC में प्राइवेट कंप्लेंट डाल देते हैं। वो कंप्लेंट को भी एक नॉन फाइल करके समन्स भेजते हैं। ये दोनों फिर उच्च न्यायालय तक जाता है इस केस में, और 6 साल के बाद एक ही घटना के 2 केसेस हैं। तो प्रथम मुलजिम जो है वो 73 एज का है। तो दूसरा उनको बीमारी है। तीसरा जो है वो उनका दिमाग ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड, इसलिए अधिउच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसको केस को निरस्त कर दिया। तो उनका कहना है ये पहले आपको एक सीट में आपके साथ बात करना चाहूँगा। ये CRPC में कंप्लेंट का डेफिनेशन है, जैसा कंप्लेंट का मतलब जाना है तो कोई लिख के किसी के विरोध कुछ लिख के देना है, मगर कानून के मुताबिक कंप्लेंट का डेफिनेशन जो है CRPC 2 में है, उसका मतलब यह होता है जो आपका जो लिखा हुआ है और दर्ज किया हुआ उसको अदालत कार्रवाई के लिए लेना है, कॉग्निजेंस में लेना है, तभी वो कंप्लेंट हो जाता है। वो 190 CRPC में है। तो तीन तरीके से वो कंप्लेंट टेकन ऑन फाइल कॉग्निजेंस में लेते हैं अदालत। नंबर 1 प्राइवेट कंप्लेंट 200 CR, नंबर 2 फाइनल रिपोर्ट बाय पुलिस, नंबर 3 कंप्लेंट बाय पब्लिक सर्वेंट। ये नंबर 2 में ये पुलिस रिपोर्ट जो आपने FIR दर्ज करते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट, तो वो कंप्लेंट नहीं है। फिर उसके बाद कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन 173 फाइनल रिपोर्ट, वो भी कंप्लेंट नहीं है। जब अदालत मैजिस्ट्रेट उसको कागजन में ले लेते सम्मन से जारी करता है तो उसे कंप्लेंट किया जाता माना जाता है। वो 190 CRPC के महत्वपूर्ण है। ये तीन तरीक़े से हो जाता है। दूसरी क्या है इस जजमेंट में, ये भी कहा है, ये हम जो हिंदुस्तान में अंग्रेजियों का इंग्लैंड का एडवर्सेरियल सिस्टम हम मानते हैं, इसका मतलब यह है जो चार्जशीट फाइल करता है तो उसको सबूत में उसको सबूत पेश करके उसको साबित करना पड़ता है, एडवर्सेरियल सिस्टम। मगर इंक्विस्टेरियल सिस्टम जहाँ मतलब अमेरिका का कई प्रांत में, अमेरिका में हर प्रांत का हर कानून होता है, वहाँ एडवर्सेरियल सिस्टम नहीं है, इंक्विस्टेरियल सिस्टम। जब एक बार फाइनल चार्जशीट फाइल कर दिया गया है तो उसको सच माना जाएगा, फिर अपोजिट मुलजिम को उनको मतलब अपना बेगुनाही सबूत के साथ उनको अदालत में उनको बरी करने की कोशिश करना है।
ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये ठीक है मानते हैं हम एडवर्सरियल सिस्टम है, मगर 160 पे एविडेंस एक्ट उसके मुताबिक अदालत को कोई भी अगर जानकारी होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो अदालत जो है उसको मांग के इंक्विस्टोरियल सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है, तो इसमें आप ध्यान दे के लीजिए। और दूसरी बात है, ये इंक्विस्टोरियल के क्या क्या हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकृत अन्वेषण, अन्वेषण मतलब अन्वेषण करके सच सच क्या है उसको इंक्वायरी पूछताछ करके फाइंडिंग करना है, दैट इंक्विस्टोरियल सिस्टम। तो ये बात आपको ध्यान में देना है। इस केस में बहुत पुरानी जजमेंट वगैरह भी लिखा गया है, तो ये सब आप पढ़िए और ध्यान में रखिए। तो दूसरी बात है, ये 190 सीआरपीसी में तीन तरीक़ा से कंप्लेंट लेते हैं। अगर कुछ लोगों के अगेंस्ट में जब कंप्लेंट सम्मन जारी होता है उस समय कुछ प्रिविलेज देते हैं, तो 195 सीआरपीसी में वो प्रिविलेज जो है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई गलती करता है तो उनके मुंह पर कार्रवाई करने के पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा 195। और इसी 195 के मुताबिक अदालत के प्रोसीडिंग्स में कोई गलती किया है, परजूरी, वो उस आदमी को उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जिस अदालत में वो गलत किया है, जो मतलब फॉल्स डॉक्यूमेंट फॉल्स एविडेंस सब कुछ किया है, उस अदालत ने वो 3 पार्टी में इंक्वायरी करके दूसरा मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, वो दूसरा मैजिस्ट्रेट जो है उनके ऊपर एक्शन लेगा। यही 195 सीआरपीसी के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए अलग से फैसिलिटीज है। ये सब जो है इस केस में डिस्कस किया गया है। तो आप इस जजमेंट में कई पन्ने कई कई पैराग्राफ है पूरा पढ़िए, और 160 पे एविडेंस एक्ट एक बार देख लीजिए। 160 पे एविडेंस एक्ट कोई मैजिस्ट्रेट आजकल नहीं, कभी किया गया है आपकी वकालत के समय में, ये सोचिए, कोई नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि अगर करेंगे तो वकीलों लोगों चिढ़ जाते हैं, ये आपका काम नहीं है। नहीं, अगर मैजिस्ट्रेट ऑनेस्ट है और वो कुछ चीज़ के लिए सच जानना चाहता है तो उनको ये अधिकार 165 एविडेंस एक्ट में दिया गया है। वैसी है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन शिफ्ट एग्जामिनेशन होता है तो अदालत को भी पूछताछ करने के लिए अधिकार है, दैट इज कॉल्ड कोर्ट क्वेश्चंस। कोई उसी उनकी द्वारा किसी डॉक्यूमेंट अगर मार्क किया जाता है तो दैट विल बी मार्क्ड एज कोर्ट डॉक्यूमेंट C1, C2, C3। ये थी उनको। वैसी है सिविल केसेस में भी, जब भी पहली बार जब समन लेके डिफेंडेंट हाजिर होता है तो उस अदालत सिविल अदालत उनको पूछ के क्या ये प्लेंट में जो मांगा गया ये आप मानते हैं क्या, ऐसा स्ट्रेट अवे पूछ सकते हैं, मगर वो पूछने के लिए मौका वकीलों नहीं देते हैं, वकालत डाल देते हैं, मगर फिर भी अदालत के लिए अदालत का अधिकार है। तो उस आदमी जब अदालत के सामने आ जाता है बिना वकील, उसको बक्सा में खड़ा होके उनसे पूछ सकता है क्या ये प्लेंट में जो मांगा गया है वो उसको मानते हैं। वो अगर कह दिया साहब मैं मानता हूँ तो स्टेट अवे डिग्री भी दे सकते हैं। वैसा कोई आजकल करते हैं क्या नहीं मालूम। इसलिए तो ये जो सिस्टम्स है एडजुडिकेटरी सिस्टम, वही कई कानून के मुताबिक बहुत फैसिलिटेट प्रोविजंस है एक्सपेडाइट करने के लिए,
मगर ऐसा नहीं होता है। जय हिंद।